दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, अभी टनल खोल दी, टनल में हमने कहा कि यहां के बच्चों को ये सोचना चाहिए टूरिज्म चाहिए या पत्थर मारने चाहिए, है टूरिज्म। हाँ आपको टूरिज्म चाहिए या टेररिज्म चाहिए, मैं मोदी साहब को इस स्टेज से ये कहना चाहता हूं, टूरिज्म हमारी जिंदगी है इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए, उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है कि अगर वो अपनी जान दे रहा है तो वो टूरिज्म के लिए जान नहीं दे रहा है, वो टूरिज्म के लिए नहीं जान दे रहा, वो दे रहा है कि इस वतन का फैसला होना चाहिए जो यहां के लोगों को कबूल हो, ये जरूरी है, ये मैं जरूर कहना चाहता था क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अल्लाह रिजक देने वाला है, मोदी रिजक देने वालों में से नहीं है, ये बात याद रखिएगा, वो है रजाक, जिस दिन वो किसी का रिजक बंद कर देगा, अगर मोदी सारे हिंदुस्तान का रिजक लाएगा वो उतार नहीं सकेगा। मैंने एक डॉक्टर की तरह से देखा है, मैंने उन मरीजों को देखा है जिनके ऊपर कितना भी आप रिजक देना चाहो उसको मंजूर नहीं है, नहीं चलता, इसे याद रखना, रजाक वो है, उसको किस शक्ल में आप देखते हो कैसा है वो है, और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका रजाक वो है, वो किस नजर से इसको देखते हैं, हम किस नजर से देखते हैं, उनको अपना दीन मुबारक, हमें अपना दीन मुबारक, हमने कभी भी उनके दीन पे उंगली नहीं उठाई, ना हमने कभी उनके दीन के खिलाफ कोई भी कदम उठाया हो, बल्कि फारूक अब्दुल्ला ने खुद उनके भजन गाए हैं, मैं उसे पीछे नहीं रहा, ये बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा अमेरिका चाहता है सालिस बनना हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में, ये बहुत जरूरी है आपके सामने लाना, आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की हर वक्त ये एक राह है कि नहीं साहब हम तो पाकिस्तान के साथ बातचीत करके ही इसका हल निकालेंगे, हमें सालिस नहीं चाहिए, हमें तीसरी वो जो है तीसरी जमात की जरूरत नहीं है, हम भी इसके साथ थे, मैं नहीं कहूंगा कि हम नहीं थे, हम भी कहते थे अच्छा आप ही हिंदुस्तान पाकिस्तान बात कर ले और इस मामले को सुलझाएं, मगर बहुत साल हो गए, पानी बहुत बह गया, मगर कोई भी ऐसी आगे नहीं बढ़ी जिससे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले हल हो सके, इसलिए मैं आज इस स्टेज से एक बात कहना चाहता हूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चाहती है कि हिंदुस्तान अगर इसमें कोशिश नहीं करता और इसको उस मंजिल तक नहीं पहुंचाता जहां हम लोगों की ये मुसीबत दूर हो, तो हम अमेरिका के इस जो ये सालिस बनना चाहता है हम समझते हैं बहुत अच्छी बात है, उनको इसमें पहल करनी चाहिए और इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए, इससे पहले कि न्यूक्लियर बॉम्ब वहां से यहां गिरे और हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब वहां गिरे, उससे पहले बहुत जरूरी है कि ये पहले बातचीत करने का मौका चलाए, अगर इनसे नहीं चलती है तो अमरीका को इसमें आकर इनका हाथ बटाना चाहिए दोनों मुल्कों का और हमें इस मुसीबत से निकालना चाहिए, ये मैं आपके सामने लाना चाहता हूं।